जिंदगी का सबसे बड़ा दुख तब लगता है जो कि अपना छोड़ के चले जाते हैं या फिर धोखा देता है। जिसके साथ दोनों हुआ वो तो टूट के बिखर ही जाएगा ना। ये कोई पहली नहीं है, ये कुछ इमोशनल सीन्स है जो टाइगर 3 मूवी को हमारे साथ जुड़े रखता है। उसके अलावा ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से टाइगर को इंडियन गवर्नमेंट, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, चाइनीज गवर्नमेंट हर कोई ढूंढ रहा है? चलिए बता करते हैं आगे इस वीडियो में। वेलकम टू पाकिस्तान टाइगर। जब ट्रेलर में इमरान हाशमी को मेन प्रोटैगनिस्ट देखा था मुझे लगा नहीं था कि वो पुल अप कर पाएंगे क्योंकि उनको हमेशा रोमांटिक किरदार में ही देखा है। हाँ पता है कि वो वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स हैं इन इंडिया स्टिल, मगर उनसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं था मुझे। भाई साहब क्या इंटेंस परफॉर्मेंस दिया उन्होंने, ऐसा लग रहा था कि उनके मकसद को पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, समझ रहे हो? क्योंकि उनका वाइफ जब प्रेग्नेंट थी उनके पास सब कुछ था खोने के लिए, मगर अब कुछ नहीं है। क्या बोलना चाहते हो तो आप समझ गए होंगे। उनके अलावा बाकी एक्टर्स ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, स्पेशली सलमान खान ने, क्योंकि रिसेंटली उनका एक मूवी आया था किसी का भाई किसी का जान और वहाँ पे उन्होंने कैसा परफॉर्मेंस दिया आपने शायद देख लिया होगा, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा उसके ऊपर। अगर हम बात करेंगे सलमान सर के डांस के ऊपर तो उतना बोलना चाहूँगा कि मुझे कुछ खास पसंद नहीं था, बट लेके प्रभु का नाम सॉन्ग देखने के बाद हॉल में जो कि आखिर में आते मूवी का, भाई मेरा ओपिनियन चेंज हो गया। शायद आपको पसंद नहीं होगा बट मुझे अच्छा लगा। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक टाइगर 3 का कंप्लीट मूवी बजट है 300 करोड़ एंड जवान एंड लियो मूवी का भी कंप्लीट बजट है अराउंड 250 से 300 करोड़। अगर हम कंपेयर करेंगे दोनों मूवी को टाइगर 3 के साथ बहुत कुछ बेटर हो सकता था। क्या छोड़िए वो बात की बात है, टाइगर 3 मूवी को बनाने के लिए जैसे हर बॉलीवुड मूवी का सीन्स रहता है ना कि बहुत खूबसूरत लोकेशन में गाना शूट करना है वैसे टाइप का, ये मूवी को भी बनाने के लिए बहुत सारा खूबसूरत लोकेशन चूज़ किया गया था। जैसे कि आपने एक प्रभु का नाम सॉन्ग तो सुना होगा, उसमें विजुअल्स बहुत खूबसूरत थे ना, वो टर्की में शूट किया गया है। उसके अलावा एक कार चेसिंग सीन देखने को मिलेगा मूवी में आपको, ऑस्ट्रिया में शूट किया गया एंड शाहरुख सर का कैमियो वाला सीन शूट किया गया है मद आइसलैंड में। ट्रेलर देखने के बाद आप मूवी इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो कि एक्चुअल मूवी का कॉन्टेस्ट क्या होने वाले आगे, फिर भी मैं एक छोटा सा ग्लिम्स दे देता हूँ। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात है जो आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। मूवी का स्टार्टिंग में एक जोया का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें ये पता चलता है कि जोया क्यों एजेंसी ज्वाइन किया। उसके बाद एक और हार्टवार्मिंग सीन देखने को मिलता है जिसमें गोपी आर्या, जिसको आपने पार्ट 1 में देखा होगा, उनका मौत हो जाता है टाइगर के सामने। उनका आखिरी पल में उन्होंने एक टिप दिया था टाइगर को कि जोया एक डबल एजेंट है, जिसकी वजह से टाइगर को बिट्रेड फील होता है एंड वो टूट जाता है। उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहिए आपको तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा। चलिए मूवी का कॉन्टेस्ट के ऊपर बात करते हैं। स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट इमरान हाशमी वो टाइगर से रिवेंज लेना चाहते हैं क्योंकि टाइगर की वजह से इमरान हाशमी की वाइफ का मौत हो गया था एंड वो प्रेसिडेंट भी बनना चाहते हैं, इसीलिए वो प्लानिंग करते हैं एंड टाइगर को बेट बनाते हैं। उसी के ऊपर कंप्लीट मूवी बेस्ड है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।